हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर का देसी स्वाद। हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है आटा दाल की टिक्की, इसे दाल दुलारी भी कहते हैं। ये कई शेप में बनाई जा सकती है दोस्तों। फटाफट से बनने वाली ये डिनर या लंच में भी इसे ले सकते हैं हम। नॉर्मली होता क्या है कि दाल रोटी खा करके नॉर्मल हम सब बोर हो जाते हैं, तो उन्हें अगर इस डिश में बना करके खिलाएंगे तो बड़े स्वाद से खाएंगे। ये मेरी माँ की रेसिपी है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। रेसिपी से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स में मैं आप लोगों को दूंगी कि जिससे आपकी भी दाल दुलारी ऐसी ही बनेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ये देखिए कितना अच्छा बना। ये देखिए इसका शेप देखिए, फ्लावर्स शेप में। यहाँ मैंने पनीर डाला हुआ है, इससे और भी इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो प्लीज़, जो आज हमारे जो नए व्यूवर्स हमसे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। यहाँ मैंने अरहर की दाल ली है जो कि 150 ग्राम है। आटा 200 ग्राम लिया मैंने, नॉर्मल गेहूं का आटा है ये। और 2 चम्मच करीब तेल है। आधा बाउल हमारा हरी वाली मटर है। 100 ग्राम पनीर जो कि मैंने इसे घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है, फ्राइड पनीर है। मैंने 1 स्पून हल्दी लिया है, 1/2 स्पून हींग है, 1 स्पून जीरा है और 1 स्पून हमारा ये गरम मसाला, और 7 से 8 कलियाँ हमारी लहसुन की हैं, 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 हरी मिर्ची। तो चलिए आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम दाल को धो करके भिगा देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इस दाल को हम 2 से 3 पानी से पहले धो लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट भिगा के रख देंगे ताकि दाल हमारे जल्दी से गल जाएगी। ये देखिए दाल में मैं इसमें इतना पानी डालना है कि दाल हमारी अच्छे से भीग जाए। इसे भिगा के हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। इधर एक बाउल में जो हमने आटा लिया था इसका डो लगा लेते हैं आटे को इसमें डाल करके। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, आधा हम बचा के रखेंगे जो कि इसे दाल में डालेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून करीब ऑयल डाल देंगे ताकि हमारी टिक्कियां आपस में चिपके नहीं, और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए एक थाली में मैंने आटा डाला, उसमें ऑयल डाल करके धीरे धीरे पानी की हेल्प से इस तरह का हमने एक स्मूथ सा डो रेडी कर लिया है। दाल को पानी 2 ग्लास करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी नॉर्मल से 1/2 ग्लास करीब ज़्यादा रखना है। ये देखिए मैंने 2 से 2.5 ग्लास इसमें करीब पानी ऐड किया है। इसी के साथ में इसमें जो हरे वाले मटर लिए थे वो, नमक, हल्दी पाउडर और 2 ड्रॉप ऑयल, इसे डाल करके हम बंद कर देंगे। 1 सीटी आ जाएगी, फ्लेम को फास्ट कर देंगे। 1 सीटी आने तक के हम वेट करते हैं, उधर टिक्कियां तब तक रेडी कर लेते हैं हम। इधर देखिए हमारा आटे का डो बनकर रेडी हो चुका है। इसे अब हम निकाल करके इसकी बराबर बराबर लोइयां बना लेते हैं। बराबर करके इस तरीके से हमने 3 लोइयां बना ली हैं। ऐसे राउंड शेप में करके इसे ऐसे हल्का हल्का बेल लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं वैसे ही। ये देखे इसे हम नॉर्मल रोटी की तरह बेल लिए इसके बराबर। यहाँ पे मैंने इस तरह से जैसे हम नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं उस तरह रोटियाँ बना के एक गोल ढक्कन से इसे कट कर लिया है। ये सारी टिक्कियों को उठा करके एक प्लेट में रखते जाएंगे, फिर बाद में इसका भी शेप देंगे। देखिए इस तरह अपनी उंगलियों का शेप इस तरह बना करके इसे 4 पंखुड़ी वाला मैंने फ्लावर बनाया। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से पहले फोल्ड करने इसका शेप बन जाएगा, फिर इसे बीच से फोल्ड करके ये फ्लावर बन जाएगा। यहाँ मैं 3 पंखुड़ी वाला फ्लावर भी बता रही हूँ। ये देखिए आपको जो ईजी लगे आप वो बना सकते हैं, हल्का सा थंब से प्रेस करते हुए इसे बनाना। ये देखिए इसी तरह मैं सारी मेरे फ्लावर्स बन के रेडी हो चुके हैं।
ये देखिए आपको जो इजी लगे आप बना सकते हैं। अगर आपसे फ्लावर नहीं बन रहे तो आप इस तरह से ये टिक्किया भी दाल में डाल सकते हैं, ये देखिए। और इनका साइज़ आप चाहे तो छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। देखिए शिट्टी आ चुकी है, दाल हमारी पक के रेडी हो गई। देखिए इसमें इतना पानी होना चाहिए, दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसमें हल्का सा पानी भी होना चाहिए। देखिए दाल चुकी गर्म है, इसमें मैं एक एक करके इस तरह से, देखिए इसमें एक एक फ्लावर करके हम डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालना है, इस तरह से आराम आराम से डालेंगे इसे, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए केयरफुली डालना है ताकि छींटे आपके ऊपर ना आए। इससे मैंने ढक्कन को बंद किया और एक सीटी आने तक की वेट करेंगे। तब उधर हम इसका छौंका रेडी कर लेते हैं जिसमें तड़का लगाना है। एक पैन में ऑयल को गर्म किया, उसमें हमें कटे हुए लहसुन डालेंगे और लहसुन तब तक हमें भूनना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। फिर इसमें जीरा हींग सब कुछ डाल करके देखिए तड़का हमारा बन के रेडी हो, सीटी आ चुकी है। सीटी को मैंने निकाल दिया है, सीटी निकल चुकी है। अब मैं लेड ओपनिंग देखते हैं हमारी दाल टिक्की का क्या हाल है। वाह, हमारी दाल टिक्की तो देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है और कितनी बढ़िया से रेडी हो गई है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मैंने ये तड़का बनाया था, ये डाल लेंगे, देखिए कितना अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से इसे गार्निशिंग कर देंगे। और जो हमने ये पनीर फ्राई करके रखा था इसी में हमने गरम मसाला ऐड कर लिया है और पनीर के पीसेस दो दो तीन तीन करके इस तरह से डाल देंगे। और इसमें ऊपर से हम एक चम्मच देसी घी डाल कर सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। और इसमें हम ये धनिया पत्ती की गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए रेडी हो गई हमारी दाल की टिक्कियाँ। अब टाइम हो गया है टिप्स ऑफ द डे का। दाल की टिक्की बनाते समय आटे को हमेशा पूड़ी के डो की तरह ही लगाना है, इससे टिक्कियाँ हमारी अलग अलग और खिली खिली रहेंगी। प्लीज़ इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। जो आज नए व्यूवर्स हमसे जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए वो आप तक जरूर पहुंचे। हैव ए नाइस डे।